हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी करवा चौथ आने वाला है और सभी की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही होंगी। तो उसी तैयारी के साथ साथ थाली भी डेकोरेशन चल रही होगी। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कस्टमाइज थाली भी बन रही है और डेकोरेट भी बन रही आती हैं, तो क्यों ना हम उन्हें घर पर ही डेकोरेट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि थाली डेकोरेट घर पे कैसे की जाएगी। वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा, मतलब हमें मार्केट से कुछ भी सामान नहीं खरीदना है, जो आपके पास घर पे ही सामान होगा उसी से हम थाली डेकोरेट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक थाली लेंगे न्यू, और उसके ऊपर लगाएंगे हम ग्लू। यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक ग्लू जो होता है उससे फैब्रिक अच्छे से चिपक जाता है और छूटेगा भी नहीं। और यहाँ पे मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है, इसको चौकोर काट के फिर इस थाली पे जो हमने ग्लू लगाया था उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम साइड से काट देंगे, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा सा कपड़ा रखेंगे, और जो ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है उसको हम काट देंगे गोलाई में ही, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इसी तरह से। फिर इसको बैक करेंगे और यहाँ पे भी हम ग्लू लगाएंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको थोड़ा थोड़ा चिपका देंगे, जिससे कि हमारी कॉर्नर की जो है वो फिनिशिंग हो जाए और थाली जो है हमारी सुंदर लगे। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ये वाला वेलवेट का कपड़ा मेरे पे रखा हुआ था, इसी तरह से आप करते रहिए। आप सादा भी ले आपके सकते हैं, पास जो भी फिर इसके कॉर्नर पे जो है यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। मेरे पास ये गोल्डन कलर की लेस रखी हुई थी, लेस कोई भी ले सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि मैंने कुछ भी थाली बना रही हूँ नहीं किया था, मार्केट से सामान कुछ भी मैंने डेकोरेशन का किया, जो मेरे पास सामान रखा था उसी सामान से मैं ये थाली डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप भी अगर आप भी कोई पास लेस वगैरह नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, अन्यथा आप घर पे ही आपके पास कोई भी लेस पड़ी है तो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं थाली। और इसके कॉर्नर तो यहाँ पे मैंने लेस लगा दिया, उसके बाद नग रखे हुए थे, तो ऊपर के जो कॉर्नर है इस पे मैं ग्लू लगाऊंगी। और ग्लू लगाने के बाद छोटी वाली पतली लेस भी लगा सकते हैं, उनको मैं नग रखे हुए थे तो मैंने वही चिपकाए, जिससे कि मैंने बोला था ना जो घर के सामान है और का यूज करके हम अच्छे से थाली डेकोरेट करेंगे। कोई भी लेस के फ्लावर्स काट के भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे स्टोन लगाए, कुछ भी आपके पास हो तो वो आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमने लगाए हैं ये मेरे पास, उसके बाद यहाँ पे जो साइड के कॉर्नर हैं उन पे मैं गोटा पत्ती वाले जो फूल हैं वो लगाऊंगी, गोटा पत्ती वाले फूल। तो मैंने ये चारों कॉर्नरों पे पेस्ट कर, इसी तरह से आप भी लगाएंगे चारों कॉर्नरों पे पेस्ट कर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से इजीली परचेस भी कर सकते हैं अगर आपको करना है, क्योंकि ये इतने कॉस्टली भी नहीं आते फ्लावर जो हैं। तो बीच में लग रही है थोड़ी सी खाली खाली, और ये शुभ काम के लिए खाली बन रही है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सांतिया के लिए, सांतिया बनाया है तो यहाँ पे मैं जो है सांतिया बना रही हूँ, मतलब और इस पे लग पेस्ट कर दूंगी जो मैंने कॉर्नरों में लगाए हैं उसी से। और यहाँ पे फिर जो स्टोन मैंने कॉर्नरों पे लगाए थे इसी से हम सांतिया बनाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी शुभ काम के लिए बन रही है थाली, स्टोन वाली सीधी लेस आती है वो भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास जो है लेस नहीं थी, ये नग जो है वो रखे हुए थे स्टोन, तो मैं फिर इन्हीं को पेस्ट कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमारी थाली तो हो गई कंप्लीट, अभी हमारी बारी है चलनी की। चलनी फीकी फीकी लग रही है, तो चलनी पे भी हम इसी तरह से चारों तरफ पहले ग्लू लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जो लगाने के बाद फिर इस पे जो है यहाँ पे मैंने स्ट्रिप काट चलने की लंबाई चलने के बराबर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही रखी है, क्योंकि ये बाद में कट जाएगा, छोटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा। वेलवेट का क्या है ना, इजीली मुड़ जाएगा, वेलवेट का कपड़ा जो होता है वो मुड़ता है ना, तो थोड़ा इसीलिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो इसी तरह से इसको भी चिपकाएंगे, और नॉर्मल वाले ग्लू से तो ये इतना अच्छा नहीं चिपक पाएगा, और फैब्रिक ग्लू जो होता है वो अच्छा है पेस्ट करने के लिए। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला जिससे हमारी थाली जो है वो छूटेगी भी नहीं, हम कर देंगे अभी इसी तरह चिपका के। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, इसी तरह से। अब इसके जो कॉर्नर है ऊपर इस पे ग्लू लगाएंगे, और यहाँ पे हम जो है अपनी लेस पेस्ट करेंगे कॉर्नर है उस पे हम, जिस तरह से हमने अपनी थाली पे लेस लगाई थी उसी लेस को हम पे एक्स्ट्रा रखी हुई थी, थोड़ी ज़्यादा है तो फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो दूसरी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप, मतलब होता है ना कि घर पे छोटी छोटी लेस पड़ी है तो उनको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरी एक्स्ट्रा लेस बची हुई है, पे ही कर सकते हैं थाली डेकोरेट, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है थाली डेकोरेट करना।
तो अभी इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से फीके फीके लग रहे हैं। उसको और सुंदर बनाने के लिए जो हमारे जो है गोटा पत्ती वाले फूल थे उनको हम कॉर्नरों पे चिपका देंगे। इस पर बहुत अच्छे से चिपक नहीं पाई थी तो थोड़ा वेट करना पड़ा है। फिर इसी तरह से हम नीचे भी पेस्ट करेंगे। ऊपर हमारी लेस लग गई है, नीचे मेरे पे छोटी वाली लेस रखी है और कुछ भी उसको भी मैं लगाऊंगी। दूसरी लेस रखी थी यहाँ पे, मैं दूसरी वाली लेस लगाऊंगी जिससे ये और भी सुंदर लगे। छोटी खाए तो चौड़ी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी सुंदर लग रही है। बट मैंने अपनी थाली में फ्लावर्स लगाए हैं गोटा पत्ती वाले, तो सोचा इस पर भी लगा दूं और ज़्यादा अच्छा सा लुक आएगा। तो यहाँ पे जो है जगह जगह पे मैं इसी तरह से गोटा पत्ती वाले जो है फ्लावर अटैच कर दूंगी। तो इसी तरह से हमारी चलनी भी रेडी हो गई है और अभी बारी है हमारे लोटे की। तो चलनी रेडी हो गई, थाली रेडी हो गई, अभी लोटे पे भी इसी तरह से हम फैब्रिक लगाएंगे, फिर जो हमारी लेस है वो चिपकाएंगे। आप भी इसको घर पे बना सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या बहुत ज़्यादा कठिन है। जो भी आपके पास सामान है उसको यूज़ करिए और बनाइए, क्योंकि घर की चीज़ घर की होती है, बाहर की चीज़ बाहर की होती है। घर पर कुछ भी बना के जो खुशी मिलती है ना, वो बाहर की चीज़ खरीद के नहीं मिलती। अभी करवा चौथ में भी टाइम है, आप बना सकते हो। समथिंग आपके आधे आधे घंटे या एक घंटे में ये सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आधे घंटे में बन जाएगी ये तीनों चीज़ आपकी तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से हम अपने लोटे को तैयार करेंगे और आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर लग रही है थाली, चलनी और लोटा। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।